Welcome back everyone. Reflective Mind में आप सभी का स्वागत है इन दिस से विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज एमंग द स्टूडेंट्स बच्चों में ओरल लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए कौन सा क्लासरूम प्रैक्टिस सबसे बेहतर होता है कोरस रिसाइटेशन इंडिविजुअल रिसाइटेशन ऑफ द पोएम आफ्टर मेमोराइजिंग, मेमोराइजेशन पे ज्यादा जोर हमारा एनसीएफ 2005 नहीं देता है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेस ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन्स अब देखिए अगर रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन की बात करें तो उसके माध्यम से बच्चा अगर डायलॉगिक प्रोसेस या डायलॉग डिलीवरी करके अगर बच्चा वहाँ पे लैंग्वेज के माध्यम से अपनी ओरल लैंग्वेज में फेमिलरिटी को डेवलप करता है तो ये बहुत ही क्रिएटिव वे होता है बच्चे को एक ओरल लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का प्रयोग करते हुए बच्चे को ओरल एक्सपोजर का मौका देना सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू बाकी ऑप्शंस को देखें प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ न्यू और अनफैमिलियर वर्ड्स ये इतने बेहतरीन ऑप्शन नहीं है कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द टीचर थी यहां पे टीचर का यूज करके अगर आप देखेंगे बच्चा बेशक बोल ले। लेकिन बच्चे को किस परिस्थिति में किस संदर्भ में किस कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार के लैंग्वेज का या किस प्रकार के ओरल लैंग्वेज का यूज करना है ये रोल प्ले या ये ड्रामेटाइजेशन में बच्चा अच्छे तरीके से क्या कर सकता है लर्न कर सकता है सो द बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लैंग्वेज लर्निंग किस चीज़ पर सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए जब हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एक्टिव एंगेजमेंट पर ज्यादा जोर देता है और वहां पर सबसे ज्यादा जोर एक्शंस ओरिएटेशन पे होता है जो मीनिंगफुल एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू सोशल इंट्रैक्शन कोलाबोरेटिव तरीके से लैंग्वेज क्लासरूम में अपनी भूमिका को निर्वहन करने पे ज़्यादा जोर देता है चाहे वो इंडिविजुअलाइज लर्निंग हो चाहे वो कोलाबोरेटिव लर्निंग हो लेकिन वहाँ पे एक्टिव एंगेजमेंट बच्चों का होना चाहिए तो ही बच्चा वहाँ पे लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है और कंस्ट्रक्टिविस्टिक पैराडाइम या कंस्ट्रक्टिविस्टिक एजम्सन ये विश्वास करता है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट रिसीव्ड ज्ञान की रचना की जा सकती उसे कभी भी दिया नहीं जा सकता है ना ही कभी भी उसे एज अ पैसिव रिसिपियंट लिया जा सकता है और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या कही जाती है कि जो लैंग्वेज है वो थिंकिंग बेस्ड होती है ना कि मेमोरी बेस्ड होती है ऑप्शन को देखें माइनोट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच चिल्ड्रंस हैंडराइटिंग डेवलपमेंट सिर्फ हैंडराइटिंग डेवलपमेंट के आधार पर आप बच्चों के लैंग्वेज को गेस नहीं कर सकते या लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम गेस नहीं कर सकते ऑप्शन नंबर वन इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर टू करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड सिर्फ यहाँ पर एरर हमने पहले भी बताया था कि एरर को लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट माना जाता है तो यहाँ पर सिर्फ एरर को पॉइंट आउट करना हमारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव या लैंग्वेज लर्निंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर थ्री केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस नहीं लैंग्वेज सिलेबस को ख़त्म करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव थोड़े से लेट से ही सही लेकिन बच्चे को एक मीनिंगफुल लैंग्वेज लर्निंग या मीनिंगफुल एक लैंग्वेज एक्सपोजर देना ज्यादा ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव एनसीएफ 2005 में हमें देखने के लिए जनरली मिलता है यहां पे तो ऑप्शन नंबर थ्री इज नॉट अप्रोप्रिएट ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन अगर ऑप्शन नंबर फोर को देखे तो ग्रुप डिस्कशन और पीयर इंटरेक्शन के माध्यम से क्लास में एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स ओरिएंटेड इंट्रैक्शनल सेटअप तैयार होता है और वहीं पर बच्चा शेयर करके अपनी बात बता के दूसरे की बातों को केयरफुली लिसन करके लैंग्वेज लर्न करने का बच्चे को एक बेहतर डेमोक्रेटिक मीनिंगफुल सेटअप मिलता है सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज किस एक्ट के तहत इंग्लिश को एसोसिएट या सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343 नहीं है ट्राई लैंग्वेज फार्मूला या थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो मुदालियर कमीशन के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था यहाँ पे हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात नहीं दिखती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करें या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन 2000 की बात करें उसमें भी बातें नहीं दिखती हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नाइनटीन सिक्सटी थ्री ऑफिशियल एक्ट एज पर आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी देवनागरी लिपि में एंड इंग्लिश इज आर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज विद रोमन स्क्रिप्टो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट वन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अप्रोच या उसके मेथडोलॉजी पर बेस्ड इस पर ध्यान देंगे विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन कौन सा लैंग्वेज लर्निंग या टीचिंग का अप्रोच हैबिट फॉर्मेशन पे ज्यादा जोर देता है हम एक एक करके इन सभी अप्रोच को ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे देन अपने आप आप यहाँ पे आंसर को बेटरली जान पाएंगे अगर कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात करें तो कम्युनिकेटिव अप्रोच को हम लोग कई बार कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी कई बार कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग भी बोलते हैं एक कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग होती है आपको यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है दिस इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक रिसेंट अप्रोच है और जिसको जिसको एडवोकेसी करने का क्रेडिट डेल हैम्प्स को जाता है और कम्युनिकेटिव अप्रोच लैंग्वेज के यूज करने पे उसकी फंक्शनल यूटिलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर देता है और वो बोलते हैं कि लैंग्वेज को हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं कल भी हमने हिंदी भाषा शिक्षण के वीडियो में बताया था कि भाषा प्रयोग से ही ज़रा निखरती है और संवर्ती और यहां पे लैंग्वेज के फंक्शनल यूज पे लैंग्वेज के यूज करने पे ज़्यादा जोर है और लैंग्वेज के स्ट्रक्चरल सेगमेंट या उसके व्याकरणिक खंड पे उसके ग्रामेटिकल सेगमेंट पे यहां पे कम जोर दिया गया है यहां पे चाहे वो सॉल्विंग पजल्स प्रजल्स हो रोल प्ले हो ड्रामेटाइजेशन इन सभी चीज़ों के द्वारा लैंग्वेज के अधिकाधिक प्रयोग करने पर ज़्यादा जोर दिए जाने की बात दिखती है और यहां पर स्पीकिंग और रीडिंग स्किल्स को स्पेशली इंक्लूड किया गया इसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच अगर बिहेवियस्टिक अप्रोच की बात करें तो बिहेवरिस्टिक अप्रोच को डिजाइन करने का क्रेडिट चार्ल्स फ्राइज़ को जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर एक्यूरेसी पे है और इसीलिए एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा आए इसीलिए बिहेवरिस्टिक अप्रोच मैकेनिकल ड्रिल प्रोलोंग प्रैक्टिस लॉन्गर प्रैक्टिस इमिटेशन रिपीटेशन री इन सब चीजों पे ज्यादा जोर देता है और बिहेवरिस्टिक अप्रोच एरर्स को बहुत ही सीरियसली लेता है और वो क्या बोलता है कि एरर्स को इमीडिएटली रिमूव किए जाने की दूर किए जाने की कॉन्टिन्यूस ट्रायल के द्वारा रेगुलर ट्रायल के द्वारा मैके मैकेनिकल ड्रिल के द्वारा जरूरत है क्यों यहां पर एरर को रिमूव किया जाना ताकि वो हमारे हैबिट का कहीं, कहीं ना कहीं इंटीग्रल पार्ट ना बन जाए तो इस क्वेश्चन की हेडिंग को अगर आप देखें तो यहाँ पे हैबिट फॉर्मेशन पे विशेष दिया जा रहा है तो हैबिट फॉर्मेशन का मतलब है कि अप्रोच कहीं ना कहीं मैकेनिकल ड्रिल के द्वारा प्रैक्टिस के द्वारा बार बार एक्सरसाइज करके गलतियों को कम करने और कहीं कही ना कहीं लर्निंग को ज्यादा करने पर ज़्यादा जोरदार इलेक्ट्रिक अप्रोच इकलेक्ट्रिक का मतलब ही होता है कि कई प्रकार के विचारों को डिराइव करना और एकलेक्ट्रिक अप्रोच कहता है कि जैसी परिस्थिति जैसा टेक्स्ट है जैसा टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हमें टेक्नोलॉजी उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटीज़ और उसी के अकॉर्डिंग हमें अप्रोप्रिएट मैथड को या अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी या अप्रोप्रिएट अप्रोच को हमें यूज किए जाने की जरूरत है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेटिव अप्रोच नहीं होगा एक्लेक्ट्रिक अप्रोच नहीं होगा और कॉग्निटिव अप्रोच का मतलब होता है जो लैंग्वेज के रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग थॉट प्रोसेस पे ज्यादा जोर देते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द राइट आंसर विल बी बिहेवरिस्टिक अप्रोच नेक्स्ट वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थीरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होवार गार्डनर ने दिया तो थे ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंसेस इज रिलेटेड लैंग्वेज अगर हम लोग होवार्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम यहां पे बात करें तो होवार्ड गार्डनर क... टोटल नौ प्रकार के मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात करते मल्टीपल वो वो तरीके से देखते हैं स्परिचुअल हो इंटरपर्सनल हो इंट्रापर्सनल हो, 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 हो तो यहां पर पूछा जा रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में कौन सा इंटेलिजेंस लैंग्वेज से कनेक्ट होता है एज पर हुआ गार्नर थे ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर वन को देखा

नेक्स्ट वन जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से या लिंग्विस्टिक्स का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज डैश डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज कौन लैंग्वेज में मीनिंग को डील करता है अगर सीमेंटिक्स की बात करें तो सीमेंटिक्स लिंग्विस्टिक्स का एक ब्रांच है जो कंसर्न विद द मीनिंग सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी सिमेंटिक्स लेकिन बाकी के तीन ऑप्शंस को देखने अगर कोलोकेशन की बात करें तो कोलोकेशन का मतलब होता है सीरीज ऑफ वर्ड्स एंड टर्म्स दैट को अकर मोर फ्रीक्वेंटली अगर कोलोकियल की बात करें तो कोलोकियल का, मतलब का, का, का मतलब होता है कि जो भी एक कैजुअल कम्युनिकेशन होता है ऑर्डिनरी पीपल जो डे टू डे लाइफ में जिस भी प्रकार के वर्ड्स का एक्सप्रेशन का यूज करते हैं हम उसे कोलोकियल कहते हैं और सिंटेक्स का मतलब होता है कि वर्ड्स को मीनिंगफुली अरेंज करके जिस रूल की सहायता से हम उसे एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं हम उसे ही वाक्य रचना या उसे ही सिंटेक्स कहते हैं सो so, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में मीनिंग को कौन डील करता है लिंग्विस्टिक्स में कौन डील करता आंसर इज सिमेंटिक्स नेक्स्ट वन अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज इन द एरियाज ऑफ पंजाब सिंस ही डजेंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया ही शुड एक हिंदी टीचर की पोस्टिंग पंजाबी एरिया के पंजाबी स्कूल में हो जाती है वहां पे उसे क्या करना चाहिए मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एज इट्स नेशनली ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज है राजभाषा है तो उसे सीखना ही पड़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल लोकल डायलैक्ट यह ऑप्शन भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग कई बार कहा जाता है कि हम कुछ एक ऐसे एरिया में जहां पे बच्चे हमारी भाषा नहीं समझ सकते हैं लेकिन हम बच्चे की भाषा को समझ के बच्चे के अकॉर्डिंग उसे समझाने की कोशिश करें तो कई बार हमें उस भाषा को सीखने से गुरेज नहीं करना चाहिए और फिर वहाँ पे एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव मल्टी के रिगार्डिंग बाय के रिगार्डिंग क्या है उसे एक रिसोर्स उसे एक अवसर, उसे एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखे जाने की जरूरत है जो अलग अलग कल्चर के प्रति हमारे एक पॉसिबल बनाता है लोग करते यही है ऑप्शन नंबर फोर को देखिए करते यही हैं लेकिन करना कभी भी ये नहीं चाहिए उसे एक अवसर के रूप में लेना है ना कि पंजाबी नहीं सीखना इसे एक चैलेंज के रूप में ले लिए ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट वन सम्ड्रन डोंट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लास रूम कुछ बच्चों को क्लास रूम के बाद उतना इंग्लिश एक्सपोजर नहीं मिलता है सो दट टीचर प्रोफिशियंसी इन स्पोकिन इंग्लिश इज एसेंशियल कई बार कहा जाता है कि हमारा अपना व्यवहार हमारे अपने तरीके हमारा अपना लैंग्वेज एक्सपोजर हमारा अपना लैंग्वेज को यूज करने का ढंग बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ पे क्या बच्चों कर बच्चे कर सकते हैं द टीचर कैन एडिट द एरर्स स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस टीचर बच्चों के एरर्स को एडिट कर सकते हैं नहीं होनी चाहिए द स्टूडेंट्स मे लिसन and process the new language before they एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट अब देखिए ऑप्शन नंबर दो को देखिए तो ऑप्शन नंबर दो आपको थोड़ा सा करीब दिखेगा और बेहतरीन जवाब आपको लग सकता है द स्टूडेंट्स में लिसन बच्चा सुन सकते हैं एंड प्रोसेस और उसे प्रोसेस करेंगे द न्यू लैंग्वेज उसे न्यू लैंग्वेज में प्रोसेस करेंगे टीचर्स की बातों को सुन के बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट टीचर की बातों को सुनते हैं बच्चा प्रोसेस करता है और फिर उसे अपने लिए यूज करने लायक वो पाता था यहाँ पे उस बच्चे को अवसर उस बच्चे को एक्सपोजर टीचर के अपने लैंग्वेज से टीचर की अपने लैंग्वेज बिहेवियर से उस बच्चे को मिल रहा है स्टूडेंट कैन इमिटेट प्रैक्टिस एंड ड्रिल इमिटेशन पे प्रैक्टिस पे पे ड्रिल बिहेवियरिस्टिक मेंटेलिटी ज्यादा जोर देता है इस पर हमारे एनसीएफ दो ज्यादा जोर नहीं देता इसे फॉलो नहीं करना है द टीचर कैन गिव मोर टाइम टू ग्रामर ड्रिल्स फिर यह बिहेविय चीजों पर फोकस कर रहा है राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर ऑफ क्लास थ्री फाइंड दैट सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली वैन सी एक्सप्लेन दैम ओवरली देर लर्निंग स्टाइल इज जब यहां पे बात आती है लर्निंग स्टाइल की हम लोग जब एक डेवलपमेंटल प्रिंसिपल पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन या इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो विकास को निहायत ही एक व्यक्तिगत मामला माना जाता है समझा जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इसका मतलब क्या है कि दो बच्चों में समानताएं हो सकती है लेकिन फिर भी दो बच्चे का डेवलपमेंट का रेट उसका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसीलिए बच्चा लर्न करेगा लेकिन उनके तरीके उनका नेचर उनका स्टाइल उनका रूप उनका फीचर उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी यूनिक होगा और यहीं पे हम लोग लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं अब यहाँ पे है विजुअल विजुअल का मतलब है कि बच्चा ऑब्जर्व करके देख कर चीज़ों को सीखता है चाहे वो बोर्ड के द्वारा हो वर्कशीट हो पिक्चर्स हो डाइग्राम्स हो मॉडल्स हो इसके द्वारा

एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य होता है एस्थेटिक का मतलब होता है नेचर ऑफ ब्यूटी किसी टीचर के कैरिसमेटिक पर्सनैलिटी के कारण बच्चा उनसे सवाल पूछता है उनसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एक तरीके का एक कोपरेटिव डायनेमिक्स क्लासरूम में बनता है तो उसे एस्थेटिक कहते हैं और ऑडिटरी का मतलब होता है कि अगर बच्चे टीचर की बातों को ध्यान से लिसन करते हैं सुनते हैं अपने आप को एक्टिवली उस डिस्कोर्स में इन्वॉल्व करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे ऑडिट्री लर्निंग तो यहां पे क्या है कि अगर सी एक्सप्लेन देम ओरली अगर ओरल तरीके से बच्चा अगर टीचर की बातों को सुन रहा है समझ रहा और अपने लर्निंग को एंजॉय कर रहा है या कर रही है सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑडिट्री नेक्स्ट क्वेश्चन अ टीचर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं रीडिंग स्किल के या लैंग्वेज स्किल के सब स्किल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देयर ओन एंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल विच सब स्किल इज शी प्रैक्टिसाइजिंग इन द क्लास मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्सट फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट देअर ओन एंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल विच सब स्किल इज शी प्रैक्टिसाइज अब देखिए यहां पर क्या है की इंफॉर्मेशन को देख रहा है और अपना खुद का इंटरप्रिटेशन वो क्रिएट कर रहा है टेक्स्ट को पढ़ रहा है और अपना इंटरप्रिटेशन खुद का क्रिएट है तो प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है एक प्रकार का इंटेलिजेंट गेसिंग एक प्रकार का एंटिसिपेट करना मीनिंग को फैसिलिटेट करना अपने आप को जिसके द्वारा एक्टिव थिंकिंग होती है और बच्चा सवाल पूछता है और उस इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है उस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो सकता है उसका क्या मैसेज निकल सकता है बच्चा इसे एक गेस करने की कोशिश करता है इसे ही प्रिडिक्शन या इसे ही प्रिडिक्टिंग कहते हैं जो रीडिंग का एक इफेक्टिव सब स्किल माना जाता है इन फेयरिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि दो लाइन होते हैं दो रीडिंग में कुछ पंक्तियां होती हैं लेकिन पंक्तियों के बीच में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो छिपी होती है हो, उसी को बोलते हैं इन फेयरिंग मीन्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इन फेरिंग मींस रीडिंग बिटवीन द लाइन्स थर्ड ऑप्शन में देखिए समेराइजिंग समेराइजिंग का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट है उसके क्रक्स को जानना उसके निचोड़ को जानना उसके सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज पे फोकस करना और पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि जो भी प्रेजेंट किया गया है सोर्स मटेरियल में उसे अपने तरीके से ही दूसरे अंदाज में दूसरे तरीके से लिख देना यहाँ पे तो इन सभी ऑप्शन के को डिस्कस करने के बाद क्वेश्चन की डिमांड कह रहा है कि बच्चा इंफॉर्मेशन को देखता है रीड करता है और अपना इंटरप्रिटेशन निकालता है गेस करके सो द राइट आंसर विल बी प्रिडिक्शन और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि प्रिडिक्शन रीडिंग का ही एक सब स्किल है सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द आपका लैंग्वेज स्किल्स अ टीचर ऑफ अ टीचर ऑफ क्लास फोर ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स देन शी सेड टूडे लेट्स हैव फन एंड रीड दिस बुक्स फॉर आर प्लेजर दिस रीडिंग इज कॉल्ड टीचर अपने बच्चों को कुछ किताब देते हैं और बोलते हैं कि इन सभी किताबों को प्लेजर के लिए पढ़ना है आज हमें तो टीचर वहां पे किस चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रही है या इस प्रकार का जो प्लेजर रीडिंग है इसे क्या बोलते हैं अगर पोस्ट रीडिंग की बात करें तो पोस्ट रीडिंग को हम लोग कई बार स्कैनिंग भी कहते हैं तो स्कैनिंग का मतलब क्या होता है स्कैनिंग का मतलब यहां पर हो रहा है कि स्कैनिंग थ्रू समथिंग टू तो री इन्फोर्स वॉट वॉज जस्ट रीड स्कैनिंग का मतलब होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन से या किसी भी टेक्स्ट से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालना हम अगर पहले उसे पढ़ चुके हैं और कुछ स्पेसिफिक चीजों को अगर दोबारा निकालना चाहते हैं उसके लिए उसे स्कैन करते हैं देखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं पोस्ट रीडिंग कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है एक ऐसा रीडिंग जो केयरफुल होता है ज्यादा अटेंशन की मांग करता है और इसका उद्देश्य है कि नए वर्ड्स नए आइडियाज नए लैंग्वेज स्ट्रक्चर को इन्फर करना जानना और यहां पे ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज का विश्लेषण या लैंग्वेज की एनालिसिस होती है जो मोस्टली हमारी क्लास में होती है हम इसी को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं जो डीप नॉलेज को जानने के लिए होता है लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करें तो एक्सटेंसिव रीडिंग

रीडिंग तो यहां पे देखिए अगर प्लेजर रीडिंग की बात करें जो घर में होता है बच्चा खुद करता है और यहां पे ऑब्जेक्टिव अपने आप को स्किलफुल बनाना बीइंग फ्लुएंट बनाना ज्यादा होता है हम उसी को एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं एज पर दिस क्वेश्चन को हम लोगों ने स्कैनिंग एनालिसिस से जोड़ा प्लेजर से जोड़ा लेकिन स्किमिंग कहते हैं स्किम स्किम्ड मिल्क से जोड़ सकते हैं तो प्री रीडिंग का मतलब क्या होता है प्रोसेस ऑफ स्किमिंग टू लोकेट की आइडियाज जब हम किसी भी टेक्स्ट का एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं उसके इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं उसके बारे में एक जनरल

पोस्ट रीडिंग होती है इस सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना सबसे पहले प्री रीडिंग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जिसे हम लोग स्किमिंग कहते हैं उसके बाद होता है रीडिंग और फिर फाइनली होता है पोस्ट रीडिंग जिसे हम लोग स्कैनिंग भी कहते हैं सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी एक्सटेंसिव रीडिंग और रीडिंग फॉर प्लेजर नेक्स्ट क्वेश्चन अ टू एंड हाफ ईयर ओल्ड चाइल्ड पिक्स अप हिज सिबलिंग्स बुक एंड लुकिंग एट द पिक्चर्स टेल्स अ स्टोरी चाइल्ड इज आई गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन अ टू एंड हाफ ईयर ओल्ड चाइल्ड पिक्सअप हिज सिबलिंग्स बुक एंड लुकिंग एट द पिक्चर टेल्स अ स्टोरी अब देखिए इन सभी ऑप्शन में देखेंगे इन सभी ऑप्शन में एक वर्ड कॉमन है उसे कहते हैं एमरजेंट एमरजेंट का मतलब होता आकस्मिक एक बच्चा अपने साथी की बुक को लेता है और उसकी स्टोरी को देखता है और वो पढ़ता है तो किस प्रकार का वो स्टूडेंट या वो लर्नर है एमरजेंट स्टूडेंट की बात करें तो एमरजेंट स्टूडेंट का मतलब होता है जो आकस्मिक हर काम को करना चाहता है एमरजेंट रीडर की बात करें तो एमरजेंट रीडर का मतलब यहां पर यह हो रहा है कि वो कहीं कही ना कहीं अपने सिविलिंग्स की बुक को ले रहा है और जो भी इसमें कहा गया उसे जो बोलने की कोशिश करता है इसी तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द राइट आंसर विल बी एमरजेंट रीडर अब देखिए जब यहां पे एमरजेंट की बात आती तो तो है लिटरेसी के जनरली मतलब, मतलब सात साल तक का कोई भी इंसान किसी भाषा को पढ़ ले लिख ले और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में या न्यूमेरिशन में या आप बोल सकते कंप्यूटिशन में ही कंफर्टेबल जिसे हम लोग थ्री आर कहते हैं रीडिंग एंड रिथमेटिक लेकिन एमरजेंट लिटरेसी क्या होता है जो जनरली जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है एमरजेंट लिटरेसी डिफाइंड एज बिहेवियर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग लिटरेसी एंड कंप्राइजेज ऑल ऑफ द एक्शन जैसे बच्चे का जन्म होता है कुछ दिनों के बाद वह हाथ पैर मारना कुछ कुछ चीजों को देखना पढ़ना शुरू कर दे हम उसे ही एमरजेंट लिटरेसी कहते हैं जो आगे चलकर सेवन ईयर या एन ऑनवर्ड्स उसके कन्वेंशनल लिटरेसी को या उसके फॉर्मल लिखने पढ़ने के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता हुआ जनरली हमें दिखता है सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी एमरजेंट रीडर नेक्स्ट क्वेश्चन अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल द टीचर वाज सरप्राइज टू सी दैट सी वुड स्पीक फोर लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता वो में है।, वो है।, तो वो है वो चार लैंग्वेज लेकिन दो से ज्यादा भाषाएं आ जाएंगी तो मल्टीलिंगुअल है लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो भाषिक नियमों की जानकारी रखने वाले जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं और मोनोलिंगुअल का मतलब होता है जिसकी पकड़ एक भाषा में होती है नेक्स्ट क्वेश्चन

किसी भी चीज के अर्थ को संदर्भ से जोड़ के देखते संदर्भ ही हम अर्थ प्रदान करता है और वो संदर्भ वो कॉन्टेक्स्ट वो सोशल एरिना वो सोशल सेटअप ही कहीं ना कहीं हमें सीखने के लिए संदर्भ देता है मैंने एग्जांपल आप लोगों क्लास में कई बार दिया था कि जो हमारी परिवेशी उपलब्धता होती है वो हमारे संदर्भ का हिस्सा होता है और वही संदर्भ हमारे संज्ञान हमारी थिंकिंग हमारी, thinking, हमारी को करता है। बर्फ के आपके बहुत ज्यादा नाम आपको नहीं पता होंगे दस बीस पचास नाम ही पता होंगे लेकिन एस्किमो जो नॉर्थ अमेरिका

वर्ड का मतलब नहीं पता होता लेकिन जब हम कई बार बार उस पूरे लाइन लाइन को को पढ़ते हैं, तो कई हमें हमें लग जाता कि नहीं, बेशक हमें इस 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 वर्ड वर्ड का मतलब ना पता हो, लेकिन में में, किस में किस कंटेंट के रिगार्डिंग उसको यूज किया जा रहा है हम कई बार उसके मीनिंग को कर लेते हैं दूसरे तो पे, पे है वन को देखे तो उससे स्किप करना है लेकिन सेल्फ लर्निंग की बात करें मीनिंगफुल लर्निंग की बात करें इंडिविजुअलाइज लर्निंग की बात करें तो यहां पे वो अपने आप को उस कंटेंट से कॉन्टेक्चुअली जोड़ते हुए उस वर्ड के मीनिंग को इन्फर कर रहा है या कर रही है ऑप्शन नंबर टू इज राइट ऑप्शन एज पर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वन एज पर नोम चॉम्स्की नोम चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा था और उन्होंने ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यूनिवर्सल ग्रामर सार्वभौमिक व्याकरण का कंसेप्ट दिया है एज पर चॉम्स्की थेरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एल हेल्प्स डी चिल्ड्रन टू एल बच्चे को किस तरीके से हेल्प करता है कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज जनरेट ग्रामर रूल्स अगर एलईडी की बात करें यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते यूनिवर्सल ग्रामर कहता है अ न्यू वे टू सिंटैक्स कहा जाता है कि बच्चे के दिमाग में कुछ एक ऐसा आप बोल सकते हैं लिंग्विस्टिक फंक्शन होता है एलईडी कोई भी एक बायोलॉजिकल डिवाइस नहीं है वो एक साइकोलॉजिकल डिवाइस है बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसा मिनिमम वर्ड्स का वोकैब होता है बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में बोले जाने वाले शब्दों को वो धीरे धीरे करके सुनता है और उसका एक वो वोकेबुलरी का एक गोडाउन तैयार होने लगता है या तैयार हो जाता है उसके बाद उस कॉन्टेक्स्ट में उस सोसाइटी में उस सेटअप में जो भी चीज़ें कही जाती है बच्चा उसे अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेबल अपने अकॉर्डिंग यूजेबल अपने अकॉर्डिंग उसे ग्रामेटिकल नियम वो दे देता है या ग्रामेटिकल रूल को वो ड्रॉ कर लेता है बना लेता है फॉर्म कर लेता है इसे ही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं और इसी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करें तो यहीं पे हम लोग सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर की बात करते हैं सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब होता है आई ईट अ मैंगो फॉर एग्जाम्पल और अ मैंगो इज इटन बाय मी यह है सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब है यहां कि दो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर उसका सिंटैक्स उसका ग्रामेटिकल एस प्लस वी प्लस ओ या o plus v plus S बिल्कुल हमें डिफरेंट दिख सकता है लेकिन इन दोनों सेंटेंस को एज एन एक्टिव देखिए और एक को एज पैसिव देखिए इन दोनों में एक मीनिंग कॉन्स्टेंट सेम है कोई एक इंसान है जो आम खाने का काम कर रहा है अ मैंगो या अंगो इटन बाई तो इन दोनों के सिंटेक्स डिफरेंट हैं। लेकिन इसमें छिपा हुआ अंडरलाइंग जो मीनिंग है वो कॉन्स्टेंट है इसी को डीप स्ट्रक्चर चॉम्स्की बोलते हैं और इसी डीप स्ट्रक्चर को जानते बच्चा अपने अकॉर्डिंग अलग अलग सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर अगर तैयार करता है तो इसी को एल डी या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी जनरेट ग्रामर रूल्स ऑप्शन नंबर टू इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन इमिटेट की बात बी एफ स्किनर करते हैं लर्न सेकेंड लैंग्वेज इजिली बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को इजिली लर्न करता है एक्वायर करता है एक्विजीशन होती है लेकिन ड्यू टू वो लैंग्वेज एक्विजीशन डिवाइस और जनरेट ग्रामर रूल के कारण होता है तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें आई होप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन से पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस के बारे में आपकी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बेसिक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी अगले वीडियो में हम कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ दोबारा आएंगे तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप बने रहिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग